क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक घटना जो कब की बीत चुकी है आज भी आपके जहन में ताज़ा है, जैसे कि वक्त के साथ वो यादें धुंधली पड़ने की बजाय और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। क्या कभी आपको लगा है कि आप उस डर से, उस चोट से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे? और क्या इसके बावजूद आपके मन में यह उम्मीद बाकी है कि शायद कुछ ऐसा हो जो आपको इस दर्द से मुक्ति दिला सके? अगर ये सवाल आपके अंदर कुछ जगा रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कई लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है, और वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी न किसी बड़ी या तकलीफदेह घटना के बाद व्यक्ति को परेशान करते रहती है। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को किसी बड़ी और दुखद घटना के अनुभव के बाद बार बार उसी घटना के विचार आते रहते हैं। मानो जैसे कोई फिल्म बार बार उसी सीन पर अटक गई हो। इससे व्यक्ति को नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन रहता है, और कभी कभी तो व्यक्ति उस घटना को फिर से जीने जैसा महसूस करता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर जहां इसके टाइप को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके टाइप को। दोस्तों, PTSD खुद एक प्रकार का रोग है, लेकिन इसके अलग अलग सिम्टम्स या लक्षण हो सकते हैं। जैसे किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो किसी को नींद नहीं आती, या फिर किसी को लोगों से मिलने में डर लगता है। लेकिन याद रहे, हर एक का अनुभव अलग होता है। ये थे इसके कुछ कॉमन टाइप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स को देखेंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेन सिम्टम्स जो है वो बार बार उस तकलीफदेह घटना का सोचना, मतलब बीते दिनों में कोई बड़ा हादसा का या अपने किसी का चले जाने का हो सकता है जी। नेक्स्ट, रात को नींद ना आना या बुरे सपने आना। नेक्स्ट, लोगों से कटाव महसूस करना और अकेला रहना पसंद करना। नेक्स्ट, गुस्सा जल्दी आना और छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना। तो दोस्तों, ये थे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD को होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको जानेंगे। जैसे कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन कारण को कवर किया है। चलिए देखते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD तब होता है जब कोई इंसान किसी बड़ी और तकलीफदेह घटना का सामना करता है। ये घटना कुछ भी हो सकती है, एक बड़ा हादसा, युद्ध या किसी अपने का चले जाना। कभी कभी ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब फैमिली में अगर किसी को पहले से ये प्रॉब्लम रही हो तो आपको भी हो सकती है। ये थे कुछ कॉमन कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जहां हम देखेंगे कि इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। PTSD से बचाव मुश्किल है क्योंकि ये किसी बड़ी घटना के बाद होता है, लेकिन हाँ, इसके असर को कम करने के लिए कुछ उपाय ज़रूर है। तो सबसे पहले अपने आप को व्यस्त रखना और हॉबीज में टाइम स्पेंड करना सीखना होगा। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट, अच्छी डाइट लेना और पूरी नींद लेना। नेक्स्ट, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या योगा करना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD की पहचान के लिए आमतौर पर एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मुलाकात ज़रूरी होती है। वे आपकी हिस्ट्री सुनेंगे, आपके सिम्टम्स को समझेंगे और फिर कुछ टेस्ट्स या असेसमेंट्स के जरिए इसका पता लगाते हैं। ये थे कुछ स्टेप्स जिसकी मदद से
डायग्नोसिस किया जाता है। तो अब चलते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आइए इसके मुख्य पॉइंट्स को देखें। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD का इलाज संभव है दोस्तों। कुछ मेन तरीके हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी, जिसमें आपको अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में बात करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, कभी कभी मेडिसिंस भी दी जाती हैं ताकि नींद और एंग्जाइटी को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, अपनी डेली रूटीन में बदलाव लाना, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। तो दोस्तों, यह थी आज की चर्चा PTSD पर। अगर आप या आपके जानने वालों को ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो कृपया मदद लें। मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी फिजिकल हेल्थ। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे तो प्लीज उन्हें मदद दिलवाने में देरी ना करें। मदद लेना कभी भी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक हिम्मत का सिंबल है। हमें समझना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य का समान महत्व है और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। उम्मीद है कि आज की हमारी टॉपिक आपको समझने में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए और महत्वपूर्ण वीडियोस से जुड़ सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।